जी अस्सलाम वालेकुम। वाइटनिंग इंजेक्शन लोगों को बहुत पसंद है और इट्स समथिंग दैट पीपल आस्क कम एंड डिमांड फॉर, फ़ोन करते हैं वी नीड डू यू हैव दैट। तो और लोगों के बड़ी कॉमन क्वेरीज होती हैं कि क्या ये सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हमने सुना है कि किसी को किडनी फेल हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ कि बेसिकली वाइटनिंग कराता है जो प्रोडक्ट है वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, जिस तरह वाइटामिन सी है उसी तरह ग्लूटाथायोन भी है। हमारी बॉडी ग्लूटाथायोन 10 ग्राम रोजाना बनाती है और हमारे जिस्म में सफाई का काम करता है ग्लूटाथायोन। लेकिन जब हम इसको वाइटनिंग के लिए देते हैं तो हम ग्लूटाथायोन के साथ वाइटामिन सी और कुछ और एडिटिव्स डालते हैं जो वाइटनिंग को इन्हेंस करते हैं। उसमें थायोक्टिक एसिड है और भी चीज़ें हैं जिनसे कि ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट आता है, ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट आता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके करने से पहले वी ऑलवेज आस्क यू कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर आपको कोई इशू चल रहा है तो वो इशू हमें पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। मुझे 12 साल हो गए हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाते हुए, देखते हुए, आई हैव नेवर सीन एनी साइड इफेक्ट्स। और आप जब लिटरेचर को भी रिव्यू करते हैं तो उसमें नहीं होता। ये बात इसमें नोट की है कि दिस इज एन इलेक्टिव प्रोसीजर, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन प्रोसीजर नहीं है। दिस इज वन ऑफ दोज प्रोसीजर्स जो लोगों की डिमांड की वजह से इट्स बीइंग गिवन। दूसरी बात ये कि अब इनकी एडिशन में देर आर एनर्जी ड्रिप्स ऑल्सो, सो आई टेल यू मोर अबाउट दैट। बट आई ऑलवेज एडवाइज जब आपने वाइटनिंग इंजेक्शन या ड्रिप लगवानी है उससे पहले आपको रेस्टेड होना चाहिए, आप नाश्ता करके आए, आपने पानी खूब पिया हो, यू हैव टू बी वेल हाइड्रेटेड एंड यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। ये नहीं करना चाहिए कि आप बाजारों से फिर के आ रहे हैं, शादी होने वाली है और आप आधे घंटे के लिए ड्रिप लगाते हो फिर आप वापस बाजारों में चले जाते हैं, क्योंकि उससे आपको थकावट हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू रेस्ट बिफोर हैंड और ड्रिप के बाद आप आधा घंटा रेस्ट कीजिए और रिलैक्स कीजिए, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। अदरवाइज ग्लूटाथायोन आपके बाकी कामों में, जिस्म में इस्तेमाल हो जाएगा, वाइटनिंग का इफेक्ट नहीं देगा। थैंक यू।